Hello kids, how are you? Hope you all are fine at your home. I am Anisha from the Christian School, Sirsa. Today we will going to learn about the remaining phonics. हमने सारे अभी तक कहाँ तक phonics किए थे? व तक, है ना? हमने व तक किए थे phonics. तो आज हम पहले अपने phonics complete करेंगे. और आज मैं आपको जो alphabet family है, उससे भी introduce करवाऊँगी. Alphabets family, you all know about that, है ना? सभी जानते हो आप उसके बारे में. उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे. अभी हम जो रिमेनिंग हमारे फोनिक्स पर रह गए थे, पहले वो हम कंप्लीट कर लेते हैं. ठीक है, ओके ना. हमने वी वायलिन तक किया था, है ना? वी वायलिन तक कर लिया था हमने. तो नाउ अब मैं आपको डब्ल्यू डब्ल्यू का साउंड कराऊंगी. डब्ल्यू क्या का साउंड होता है बेटा? डब्ल्यू का साउंड होता है वॉ. V का साउंड होता है व, और W का साउंड होता है वो, वो, वो वॉच, वो वॉच, वो वॉच, वो वेल, वो वेल, वो वेल, वो वेल, वो वेब, वो वेब. वो इसमें माउथ का जो हमारा फॉर्मेशन होता है वो ऐसे करके थोड़ा सा राउंड सी शेप में आ जाता है. और V में V, V, ऐसे व, व, इसमें हम व, पूरा ओ सर्कल बनता है हमारे मुंह में. व वॉच, व वॉच, व वेब. ओके, गॉट इट? नाउ दिस इज द साउंड, दिस इज एक्स. एक्स का साउंड एक्स ही होता है. से इसको हम मोस्टली पीछे जो लेटेस्ट वर्ड्स के पीछे लास्ट में यूज होता है मोस्टली. जैसे बॉक्स, कस, कस की साउंड आती है इसमें. बॉक्स, फॉक्स, सिक्स, वैक्स, बॉक्स. ओके, दीज आर द लेटर्स, दीज आर द वर्ड्स विच कैन बी फॉर्म्ड बाय द यूजिंग एक्स. ओके, एक्स का क्या साउंड होता है? बॉक्स, कस का साउंड होता है. ओके, नाउ वाई, वाई यॉक होता है ना, वाई का क्या साउंड होता है? य, 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 यो यो, य, यो यो, य, याच, य, याच, य, यो योज, य, यो योज, य, याच, य, याच. ओके, य, यो यो, य, याच. ओके, इसका साउंड होता है य. ओके, जेड, जेड का क्या साउंड होता है? जी, जीब्रा, जेड, जी, जीब्रा, Z, zebra. Z, zip. Z, zip. Z, zoo. Z, zoo. Z, zebras. Z, zebras. Okay? अब हम एक बार दोबारा से सारे phonics की हम revision करेंगे, ठीक है? Let's start with cap letter. A. A का क्या होता है? Phonics sound. A. B का B. C का K. D. F, F, G, G, H, H, I, J, K, L, L, M, M, O, P, Q, R, S, T, A, V, V, X को X भी कह सकते हैं और कस भी कह सकते हैं. कस, वैसे हम इसको X ही बोलते हैं. Box, Y, and Z. ओके, जो लास्ट जो मैंने आज कराई है वो मैं आपको दोबारा रिपीट करा देती हूँ. V, X, Y, and Z. Z, sorry. ओके, done right now? हो गया ये complete? अब मैं आपको एक न्यू चीज आपको मैं बताने वाली हूँ. ये जो हमारे सारे जो लेटर्स होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे अल्फाबेट्स होते हैं, ठीक है? ये हमारे सारे अल्फाबेट्स होते हैं और ये हमारी अल्फाबेट फैमिली होती है, ठीक है? इसमें से, इन अल्फाबेट फैमिली में से, ये जो ए, ई, आई, ओ एंड यू, ये जो होते हैं, ये होते हैं वॉवल्स. ओके,
जैसे हमारी फैमिली में भी कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो स्पेशल होते हैं, है ना, तो ये वही स्पेशल लोग हैं। ओके, ये अल्फाबेट फैमिली के स्पेशल पीपल हैं। ये कौन कौन है? ए, ई, आई, ओ, यू। ये क्या होते हैं? वॉवल्स। ये क्या होते हैं? वॉवल्स। स्पीक विद मी, वॉवल्स। ये क्या होते हैं? वॉवल्स। ए, ई, आई, ओ, यू। ये फाइव होते हैं, ठीक है। टोटल 26 लेटर्स होते हैं, अल्फाबेट्स होते हैं ये सारे, ये 26 होते हैं। इनमें से ये जो फाइव होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये फाइव होते हैं। बाकी जो 21 लेटर्स जो बच गए वो क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स होते हैं। वो क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। आज हम बस इतना ही करेंगे, हम ज्यादा नहीं लर्न करते। बस इतना ध्यान रखना है जो टोटल ए टू जी, जो ए टू जेड हमारे जो जितने भी हमारे अल्फाबेट फैमिली के मेंबर्स होते हैं, उसमें से फाइव वॉवल्स होते हैं, वॉल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू, ठीक है। इनको निकाल दो, बाकी जो बच गए वो 21 बच गए, वो क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स। ओके, क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स। फाइव ए ई आई ओ यू ये वॉल्स होते हैं, बाकी जितने बच गए, कौन कौन से बच गए? बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ओके, ये सारे क्या हो गए? कॉन्सोनेंट्स हो गए। ये कितने होते हैं? 21 होते हैं। वॉवल्स फाइव होते हैं, कॉन्सोनेंट्स 21 होते हैं। स्पीक विद मी, वॉवल्स फाइव होते हैं एंड कॉन्सोनेंट्स 21 होते हैं। स्पीक वंस अगेन, वॉवल्स आर फाइव इन नंबर्स, दैट आर ए ई आई ओ यू। वॉवल्स आर फाइव इन नंबर, ए ई आई ओ यू। वंस अगेन, ए ई आई ओ यू। ओके, ठीक है। बस नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे, इतना ही बहुत है आज के लिए। वी विल मीट सून इन आर नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।